बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023 का आम बजट पेश करने जा रही हैं। आम जनता को उम्मीद है कि सरकार इस बार महंगाई और टैक्स में कुछ राहत देगी। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को और मजबूत करने की दिशा में सरकार इस बार जनता को किस तरह खुश करती है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन सदन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में ये बताने की कोशिश जरूर की है कि सरकार मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट की मदद से हम आपको बताएंगे कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में जनता को कहां राहत मिलेगी और कहां उस पर बोझ पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। आम बजट देगा राहत या बढ़ाएगा मुसीबत? मेक इन इंडिया की मुहिम, जनता को मिलेगी कौन सी स्कीम? आटा दाल चावल होंगे सस्ते या सब कुछ जाएंगे ठंडे बस्ते? सीतारमन का लाल सूटकेस, बचाएगा कैश या बढ़ाएगा टैक्स? आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को मदद मिलेगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हैं। सरकार के जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना है, उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है। इस लिस्ट की समीक्षा के बाद माना जा रहा है कि अभी तक सरकार ने 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मन बना लिया है। इसकी एक वजह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उन आयातित गैर जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की कोशिशों में जुटी है। दरअसल जुलाई सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 9 महीने के उच्चतम स्तर 4.4% पर पहुंच गया था। डेलॉयट ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की आशंका बरकरार है। बढ़ते इम्पोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-2024 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। लोकल डिमांड ने जिस तरह से एक्सपोर्ट ग्रोथ को पछाड़ा है, उससे अनुमान है कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $25 अरब प्रति महीना रह सकता है। ये आंकड़ा चालू खाते के घाटे को GDP के 3.2 से 3.4% के बराबर रखने में कामयाब हो सकता है। अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरतों के सामान की श्रेणी में नहीं आते। इसके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर्स में मानक तय किए हैं। इनमें स्पोर्ट्स गुड्स से लेकर वुडन फर्नीचर और पोर्टेबल पानी की बोतलें शामिल हैं। ये घरेलू इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चरर्स के लिए सामान है। इन स्टैंडर्ड की वजह से चीन से आने वाले कई सस्ते सामान का आयात घट सकता है, जो कुछ समय के लिए इन्हें महंगा बना सकता है। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूत करने के लिए मकसद से सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला कर सकती है। पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने नकली ज्वेलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर इनकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था। ऐसे में इस साल भी कई दूसरे सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ना तय है और फिर इनके मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को फायदा मिल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड और कुछ दूसरे सामान पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। इससे देश से ज्वेलरी और दूसरे फिनिशिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले साल बजट में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। सरकार ने एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया था। इस बार के बजट में देश की घरेलू ज्वेलरी इंडस्ट्री को सरकार कई मोर्चों पर राहत दे सकती है। इसमें कच्चे माल के आयात से लेकर तैयार माल के एक्सपोर्ट तक में ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर बात करें इंडस्ट्री की डिमांड की, तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट्स की डिमांड है कि बजट में लैब डायमंड्स के कच्चे माल पर आयात शुल्क को खत्म किया जाए। इसके साथ ही ज्वेलरी रिपेयर पॉलिसी के ऐलान की भी मांग की गई है। इसके अलावा सरकार से स्पेशल नोटिफाइड जोन में हीरो की बिक्री पर अनुमानित टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया है और सेस के लिए लाए जा रहे नए देश विधेयक को लागू करने की मांग की गई है। इंडस्ट्री ने बजट में डायमंड पैकेज के ऐलान की गुजारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड, इंडिया।